ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आप कितने दिनों के बाद मेरे को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बहुत मिस कर रही थी और मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी बहुत मिस कर रही थी। और मैं बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ गाइज, कम से कम 2 से 3 मंथ के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज बहुत मन लगा कि मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के पास। फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हॉल वीडियो मिनी। सो आज मैं आप सभी के साथ मिनी हॉल शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह से मैं अलग अलग प्रोडक्ट मंगाई हुई हूँ और मैं आप सभी को आज मैं उसके बारे में बताऊँगी कि कैसा है क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते, ज़्यादा लेंदी नहीं करते, इतना बात करेंगे तो प्रोडक्ट कब दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी अपना मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश से स्टार्ट करते, तो सबसे पहले है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का मेकअप ब्रश। मैं वैसे तो इसको मंगा ली थी कुछ 4-5 महीनों से, लेकिन मैं इसको अभी तक यूज़ नहीं की थी। मैं सोची क्यों ना मैं इसको तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं जब इसका अच्छा रिज़ल्ट मुझे पता चले। तो वैसे इसका रिज़ल्ट यही है कि मैं इसको यूज़ करूं और ये कैसा है क्या है, सारे गंदे हो चुके हैं। तो आता है कुछ इस तरह के बॉक्सिंग में और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इतना अच्छा पैकेजिंग है ना गाइस स्विस ब्यूटी का ये जो ब्रश है ना। अगर आप अभी अभी न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप करना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है ब्रश। आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है मेकअप ब्रशेस में, बस यही कुछ ही चाहिए, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर से कि ये कैसा है क्या है और कैसा ये वर्क करता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले सारे ब्रशेज जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे, क्योंकि मैं अभी गई थी शादी में और ये वहाँ पर खूब यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है हमको पाउडर ब्रश, उसके बाद नेक्स्ट हमको मिलता है यहाँ पर फाउंडेशन ब्रश, नेक्स्ट हमको मिलता है यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश, ये भी गंदा हो चुका है, उसके बाद हमको मिलता है ये पेंसिल ब्रश, नेक्स्ट हमको मिलता है थोड़ा सा और ब्लेंडिंग ब्रश, बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश, नेक्स्ट हमको मिलता है ये स्पूली के साथ ये आईब्रो फिल करने के लिए ब्रश। ये बहुत 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 अच्छा है गाइस, ये बहुत अच्छा है ये। फ्रेंड्स, तो ये है मेरा स्विस ब्यूटी का मेकअप ब्रश और इसमें आता है 4, 5, 6 ब्रशेस आता है और बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी है और ये अच्छा फ्लफी भी है, तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस पे काम करेगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये दो प्रोडक्ट, प्लम के दो प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले ये मेरे पास, मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी मैं इसको ख़रीदूँ क्योंकि मैं गुड वाइब्स का ज़्यादा यूज़ कर रही थी, वाओ का यूज़ कर चुकी हूँ और मामा अर्थ का यूज़ कर चुकी हूँ, मतलब बहुत सारे ब्रांड का यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं प्लम का अभी तक यूज़ नहीं की थी। तो ये प्लम का ग्रीन टी टोनर है, ये फेस मिस्ट है, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये सबको इतना ज़्यादा पसंद आया, वहाँ मैं लेके गई थी इसको इतना ज़्यादा पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई हैंडी ऐसा कुछ परफ्यूम हो और बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस हो उसका और सबको पसंद आए, लगे स्मेल करते ही लगे कि वाओ ये बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा पसंद है कि सबको सब बोले कि बहुत ही अच्छा है, हमको भी दे दो एक बार लगाने के लिए, हमको भी दे दो लगाने के लिए। फ्रेंड्स, तो ये है प्लम का बॉडी लविंग हवाई रूम्बा परफ्यूम। ये इतना ज़्यादा अच्छा है ना गाइज, ये बहुत अच्छा है, इसका जो फ्रेगनेंस है ना वाओ, मैं इसको डेली वहाँ पर यूज़ करती थी और अपने जो पर्स था ना मैं उस पर इसको कैरी करके रखती थी और मैं इसको बीच बीच पे इस पर लगाती थी। बहुत ही इसका जो फ्रेगनेंस है ना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, तो ये वाला जो प्लम का परफ्यूम है ना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये यहाँ पर है मेरे पास मेरा आपको दिखाऊं लेकिन क्या है, तो यहाँ पर है मेरा कुछ इस तरह से सैंडल्स। तो ये है कुछ इस तरह से है ये, और ये जो है ना ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। स्टार्टिंग में लगा था कि ये इसका हील इतना ज़्यादा है मैं कैसे पहनूंगी, क्योंकि मैं पहले पहनती थी
शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद मैं इतना ज़्यादा हील मैं कभी नहीं पहनी, तो मैं सोचती थी इतना ज़्यादा हील कहीं गिर ना जाऊँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना गाइस, मैं इसको पहन के मैं डांस भी की लेकिन मैं गिरी भी नहीं, लहंगा पहन के मैं इसको पहनी थी, मैं बिल्कुल भी नहीं गिरी, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ब्लैक कलर का है ये, साथ में आपको गोल्डन मिल जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, साइड में कुछ इस तरह से गोल्डन एंड ब्लैक का वर्क किया गया है, और ये बहुत ही अच्छा है, और ये मुझे अभी तो इसका रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन ये मुझे 800 के आसपास मिला हुआ था। नेक्स्ट मेरे पास है ये है अल्टीमेट मेबलिन न्यूयॉर्कर लिपस्टिक, इसका सेट वगैरह तो इस पर नहीं दिया है, सेट 299, पता नहीं इसे क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन उतना सेट नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो ये रेड कलर में है, लेकिन मैं इसको शादी के पर्पज़ से इसको मैं मंगाई हुई थी, लेकिन मैं इसको लगाना भूल ही गई, क्योंकि मैं ये NY बेकअप में लगा के रखी थी, वही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि लॉन्ग स्टे चाहिए था मेरे को। तो ये कुछ इस तरह से इसका कलर है, ये भी अच्छा है, बस ये लॉन्ग स्टे नहीं करेगा मेरे ख्याल से, इसको देख के तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये लॉन्ग स्टे करता है, हमेशा मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, इसका कलर रेड कलर है, सेम ही है, हल्का फुल्का मिलता जुलता, और ये बहुत ही बढ़िया, ये भी 200 या 300 के आसपास ही है। तो ये था लिपस्टिक। नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ ना, है मेरे पास, तो ये है मेरे पास आखिर, ये कुछ इस तरह से क्लच है ये, और ये पार्टी वेयर क्लच है, इसके बारे में जितना तारीफ करूँ ना उतना कम है, और ये इतना ज़्यादा बढ़िया, जितना आप इसको देखेंगे ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, ये 2-3 महीने से मैं इसको रखी थी ऐड टू कार्ड करके, लेकिन ये स्टॉक पे ही नहीं आया था, फिर जब ये स्टॉक पे आया रातों रात मैं इसको ऑर्डर कर दी थी, और ये मैं अमेजोन पे देखी तब भी ये स्टॉक पे नहीं था, मिंत्रा में देखी तो 4000 रुपीज़ इसका प्राइस था, मतलब मैं डिफरेंट जगह देखी, तो ये पर्ल वाले इसमें काम किए गए हैं, इसमें बीट लगे हुए हैं, ग्रीन एंड गोल्डन टच से ये बना हुआ है, और इतना ज़्यादा वेलवेट के कपड़े इसके साथ ये बना हुआ है, यहाँ पर ये वेलवेट का कपड़ा है, और ये ग्रीन का है, ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ आता है, और आपको यहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर भी आपको पर्ल का डिटेल मिल जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया है गाइस, ये बहुत 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 अमेजिंग है, इसको मैं देखती ही मैं सोची ये वाला पर्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए, जब मैं इसको देखी थी फर्स्ट टाइम में तो मेरे को लगा कि ये तो मुझे चाहिए, लेकिन ये स्टॉक पर ही नहीं आया था, और मैं जो शादी था मेरे घर पर वो पास आ गया था, तो मैं सोची कुछ और देख लेती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा दिल बोला कि एक बार मैं नायका पे देखती हूँ, तो नायका पे जब मैं इसको देखी तो ये स्टॉक पे ही नहीं था, लेकिन 2 दिन के बाद ये स्टॉक पे आ गया था, तो मैं इसको ऑर्डर कर दी, मैं शादी में जाने से 1 दिन पहले ही आ गया था। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से ये ओपन होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है गाइस, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसका, तो ये बहुत 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 अमेजिंग है, अगर आपके घर में शादी पार्टी कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और ये जो है ना कोई भी आउटफिट के साथ जा सकता है। मैं मिंत्रा पे देखी थी जो 4000 का था, वो जो था ना रेड कलर का था, मैं उसका पिक्चर डाल दूँगी, लेकिन वो बहुत भद्दा लग रहा था, मैं सोची क्यों ना उसको परचेस कर लिया जाए, लेकिन वो ज़्यादा भद्दा लग रहा था, लेकिन ये जो वाइट था ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने पे भी, और ये हर आउटफिट के साथ जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है, तो ये मेरे को बहुत पसंद आया। तो गाइस कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए कि ये जो मेरा क्लच है ये आप सभी को कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं तो फिर से मेक ओवर करना, जो मैं पार्टी पे अपना मेकअप की थी मैं उसका इमेज डाल दूंगी, तो कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं फिर से आपको मेक ओवर पर बताऊंगी, इतना हड़बड़ी में 10 मिनट में मैं मेकअप की थी अपना, तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आप सभी के लिए। तो ये था मेरा क्लच, कैसा लगा आप सभी को बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, धन्यवाद।